हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सिडनी सिक्सर और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में होने वाले बीबीएल के 18वें मैच की। तो 18वां मैच जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों को आप देखोगे तो मेलबर्न रेनेगेड्स इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिडनी सिक्सर की बात करते हैं तो सिडनी सिक्सर जो है अभी उतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है सिडनी सिक्सर की तरफ से देखने को इस साल नहीं मिला है, क्योंकि सिक्सर जो है वो 4 मैचों में से 2 जीता है, 2 हारा है, और रेनेगेड्स जो है वो 4 मैचों में से 3 जीता है और 1 जो है वो हारा है। ये सीनरियो जो है अभी के सीनरियो में जो है आपको देखने को मिला है कि अभी जो है आपको ऐसा देखने को कुछ मिला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है ये मैसेज हो सकता है और कैसे हो सकता है और कैसे जो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है उठा सकते हो। तो उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है वो पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप कॉल फ्री सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये जो है आप शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले ये मैच जो होगा वो 18वां मैच होगा। धीरे धीरे मैच जो है बढ़ते जा रहे हैं और जनवरी में बहुत सारे लीग आने वाले हैं, तो अभी भी जो है आप नहीं जुड़े हो, प्रॉफिट नहीं बनाए हो तो लिमिट जो है वो तैयार कर लो। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बीबीएल में भी मैसेज हो रहा है जहाँ पे जो है बढ़िया प्रॉफिट उठा सकते हो। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो है वेडनेसडे को यानी कि December 28 को देखने को मिलेगा। टाइमिंग जो होगा 1:45 और ये आपको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में जो है देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने सिडनी में जो है वो मैचेज देखे हैं, तो सिडनी का जो मैसेज है वो किस तरीके से हुआ था ये जो है आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि सिडनी सिक्सर और मेलबर्न स्टार के बीच में जो है वहाँ पर मैसेज था जहाँ पर सिडनी सिक्सर जो है वो 7 विकेट से उस मैच को जीत लिया था। और वहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे जो मेलबर्न स्टार था 150 रन जो है वो बना पाया था 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पे। लेकिन बैटिंग के सिनेरियो में बात किया जाए तो शुरुआत का जो कुछ ओवर था डिफिकल्ट रहा था, वहाँ पे डिफिकल्ट इसलिए रहा था कि शुरुआत में देखोगे तो आपको मेलबर्न स्टार के 2 विकेट जरूर गिर गए थे और काफ़ी जो है डिफिकल्ट जो है वो ओवर था। और इसके अलावा जो यहाँ पे सबसे पहले जो बॉलर स्टार्ट किया था आप देखोगे उसका इकोनॉमी रेट भी जो है काफ़ी कम था, स्टीवी ओकवी ने जो है वो स्टार्ट किया था और इकोनॉमी रेट जो है वो 4 के अंदर ही जो है वो समाप्त कर दिया। तो इस ग्राउंड पे ये पता चलता है कि यहाँ पे फास्ट बॉलर को जो है वो मदद जो है थोड़ा बहुत जरूर मिल रहा है। इसलिए हम लोग स्पिनर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि स्पिनर को जो यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिला था, स्पिनर को भी आप देखोगे तो जंपा का इकोनॉमी रेट यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा बात करते हैं लियाम हैचर का भी जो है उनका इकोनॉमी रेट थोड़ा सा महंगा था, लेकिन ठीक जो है वो देखने को मिल रहा था कि बॉल जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा फंस रहा था। लेकिन इस ग्राउंड पे ज़्यादातर चांसेस यही है कि फास्ट बॉलर जो है थोड़ा ज़्यादा चलेंगे और रन भी जो है वो ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन एक अच्छा खासा जो है वो रन बनता है अगर कोई यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहा है तो एक अच्छा एवरेज या स्कोरिंग एरिया के साथ जो है यहाँ पे रन बना सकता है जिस तरह का ग्राउंड है। लेकिन अगर टारगेट जो है 160 के ऊपर जाता है, 165 के आसपास जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा यहाँ पे चेस करने के लिए। तो इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि ऐसा सिनेरियो जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो है वो अभी के लिए जो है वो पिच रिपोर्ट है यहाँ का। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं तो स्कोरिंग पैटर्न भी आप देखोगे तो जो स्कोरिंग पैटर्न है वो मेनली जो है 170 से नीचे जो है ज़्यादातर स्कोर यहाँ पे रहता है और ये सीनरी जो है आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं वेदर फोरकास्ट की, तो टेम्परेचर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो 15 से 16 डिग्री के बीच में रहने वाला है, 22 चांसेस जो 20% के आसपास है। अगर हम लोग टॉस की बात करते हैं टॉस में जो है वो ज़्यादातर चांसेज है सिक्सर जो है वो टॉस जीत के पहले यहाँ पे बॉलिंग करने की जो है वो कोशिश करेगा। टीम ने से हम लोग बात करते हैं तो सिक्सर की तरफ से मोहित शंडी जो है लीड करेंगे। लास्ट 3 मैचों में अगर बात किया जाए तो ये जो है यहाँ पे सिक्सर की जो चांसेस है वो आप देखोगे तो सिक्सर जो है लास्ट 4 खेल चुका है, 2 हारा है, 2 जीता है। और अगर बात करें तो रेनेगेड्स का तो निक मेडसिन जो है ये लीड करने वाले हैं और लास्ट 4 मैचों में 3 जीता है और 1 जो है वो हारा है। इसके अलावा प्लेइंग 11 की बात करते हैं कौन कौन अच्छे फॉर्म में है, तो अभी देखोगे तो सिक्सर की तरफ से लास्ट मैच में अगर सिक्सर की हम लोग बात कर लेते हैं तो वहाँ पे देखो तो कर्टिस पीटरसन से जो है वो थोड़ा सा रन जरूर आया था। इसके अलावा मोइस हेनरी से जो है थोड़ा सा रन आया था, जेम्स विंस से जो है वो थोड़ा सा रन आया था और मोइस हेनरी ने जो है वो हाफ सेंचुरी भी लगाया था। इसके अलावा जॉर्डन सिल्क से जो है वो रन आया था। बॉलिंग की बात करते हैं हेडन केयर को जो है वो 2 विकेट मिला था और ये मैंने पहले ही बताया था कि जब वीडियो हम एनालिसिस कर रहे थे कि यहाँ पे इनको विकेट मिल सकता है। इसके अलावा जो है स्टीवी ऑकवी को मिला था, जैक्सन बैट को मिला गया था, सीन एबॉट को भी जो है विकेट मिला था, लेकिन इकोनॉमी रेट जो है सीन एबॉट का बहुत ही हाई था। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगर हम लोग मेलबर्न रेनेगेड्स की, तो मेलबर्न रेनेगेड्स से आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि निक मेडसिन जो है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है लेकिन लास्ट मैच में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स का तो एरन फिंच का फॉर्म जो है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जोनाथन वेल्स का जो है फॉर्म लास्ट मैच में थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिला, विल सटरलैंड का फॉर्म जो है वो ठीक है तो आप जो है इनको जो है पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा निक मेडसिन का फॉर्म जो है वो ठीक है, सैम हार्पर भी उसको पहले भी मैच में जो है परफॉर्म किए थे। और अगर हम लोग बॉलिंग
धोनी की बात करते हैं, डेविड मूडी का फॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो डेविड मूडी जो है लास्ट मैच में उन्होंने 4 ओवर किए थे, सिर्फ 16 रन दिया था और 3 विकेट जो हो लिया था। उसके अलावा अकेली हुसैन को भी जो है लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा विकेट मिला था, 3 विकेट जो मिला था, तो आप पी करके जो है यहाँ पर चल सकते हो। इसके अलावा रसल को भी जो है 2 विकेट मिला था बॉलिंग में, लेकिन रसल का जो है बैटिंग में अभी परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट मैच में जरूर देखने को मिला था, उससे पहले वाला लास्ट मैच में जो उतना परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था, जो कि लास्ट मैच का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही काफ़ी मैचों के बाद जो है वो रसल से परफॉर्मेंस आया था। इस सिनेरियो जो आपको याद रखना है, तो अगर आप रसल को लेकर चलोगे तो विकेट के तौर पे कि 2-3 ओवर फेंके 1 विकेट शायद मिल जाए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस का, तो आप देखोगे सिडनी सिक्सर जो है रिसेंट 4 मैचों में से 2 जीता है, 2 हारा है, और रेनिगेट्स जो है 4 मैचों में से 3 जीता है और 1 जो है वो हारा है। तो ऑफकोर्स रेनिगेट्स का पलड़ा जो है अभी भारी है, और जिस तरह से मैचेज अभी रेनिगेट्स खेल रहा है उसके हिसाब से देखोगे तो भी आपको देखने मिलेगा कि सिक्सर जो है वो थोड़ा सा अभी जो है उतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे हेड टू हेड का, तो हेड टू हेड में आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे सिक्सर और रेनिगेट्स में जो है वो टोटल 15 मैचेज जो है वो हुए हैं दोनों के बीच में, जिनमें से 10 जो है वो सिक्सर जीता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखो तो आपको जो है 5 जो है वो आपको रेनिगेट्स का दिखाई देगा, 5 जो है रेनिगेट्स जीता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम यहाँ पे टीम इंडिया टीम का, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट उठा सकते हो, जो व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये आप शुरुआत कर सकते हो। आप चलो एक बार देख लेते हैं टीम इंडिया टीम और फिर करते हैं वीडियो को एंड। अगर हम लोग ड्रीम इलेवन टीम की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको जो है वो देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग विकेट कीपर में बात करते हैं किसको पिक किया जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले जो यहाँ पे नाम आता है हम लोग जॉस फिलिपे को जो है वो ले लेते हैं। सैम हॉपर का भी जो है ठीक है परफॉर्मेंस, लेकिन अभी उससे अच्छा परफॉर्मेंस जो है आपको जॉस फिलिपे को देखने को मिला था, हम लोग जो है यहाँ पर पिक कर लेते हैं। बैटिंग की बात करते हैं तो एरॉन फिंच का फॉर्म अच्छा है, हेनरिक्स का फॉर्म जो है लास्ट मैच में अच्छा दिखा, कर्टिस पीटरसन का, जॉर्डन सिल का जो है फॉर्म अभी अच्छा चल रहा है। ऑलराउंडर की बात करते हैं तो ऑलराउंडर को जैसे मैंने रसल को बोला कि अगर बॉलिंग के लिए इसलिए चलते हो तो ले लेना, और सीन अबाउट को भी जो है वो ठीक है, बैटिंग में भी एक परफॉर्मेंस देखने को मिला था, बॉलिंग में जो है वो थोड़ा सा इकोनॉमी रेट हाई रह रहा है, बाकी विकेट जो है वो मिल रहा है, तो हम लोग सीन अबाउट को जो है अभी के लिए ले लेंगे। निक मेडिसिन का फॉर्म जो है वो अच्छा है, या फिर हेड एंड केयर का फॉर्म जो है वो अच्छा है, आपको बैटिंग से एक हटाना होगा तब आप निक मेडिसिन को जो है यहाँ पर ले लोगे। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग की, तो बॉलिंग से अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर तो एलिफ हुसैन को जो है वो ले लेते हैं हम लोग। इसके अलावा जो है आप जैक्सन बर्ड को ले सकते हो, या फिर उसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे जो स्टीव रोजर्स हैं इनको हम लोग या टी रोजर्स इनको ले लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं एक बॉलर का, तो आप जो है यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया ऑक्री को ले सकते हो या फिर जैक्सन बर्ड को ले सकते हो। तो अभी के लिए जो हम लोग जैक्सन बर्ड को जो है वो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इकोनॉमी रेट जो है ऑस्ट्रेलिया ऑक्री का जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो हम लोग इनको जो है पिक कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का, सिक्सर से जो है यहाँ पर हमने ज़्यादा प्लेयर्स कुछ ले लिए हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं हेड एंड केयर के जो हम लोग कैप्टन बना लेते हैं, क्योंकि इनको बैटिंग करने का भी मौका मिल रहा है और बॉलिंग तो खैर 4 ओवर करते ही हैं। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे वाइस कैप्टन के तौर पर, तो वाइस कैप्टन के तौर पर जो है आप यहाँ पे एरॉन फिंच का फॉर्म अच्छा है ले सकते हो, रसल को विकेट मिल सकता है तो आप ले सकते हो, ये सीनरी जो है अभी के लिए बनता है यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हो आप टीम पर भी, और इस टीम के साथ जो है आप कोई भी लीग खेल सकते हो। इसके अलावा और भी टीमें चाहिए, ये थोड़ा सा अनबैलेंस टीम है, और भी टीमें चाहिए तो आपको जो है व्हाट्सएप पर मिल जाएगा जहाँ पे जो है आप जुड़ सकते हो, और यहाँ से जो आपको सारे डिटेल्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।